बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सामईन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। खूबसूरत असेंबली की प्रेजेंटेशन हैं आपके सामने। सी ओ सियालकोट में इंटरव्यूज़ हुए, मोहतरमा प्रिंसिपल साहिबा ने बच्चों से खिताब किया, उनके पेरेंट्स से कुछ ज़रूरी बातें की। और अब मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाती जाऊँगी जो कि स्कूल में साइंस एक्टिविटी हुई है। पूरे चैप्टर्स जितने भी थे ना सिक्स क्लास में, उन सबको प्रोजेक्ट बनाकर डिस्प्ले किया गया और बच्चों की कोविश टीचर्स के साथ है। अब आती हूँ असल बात की तरफ, जो आप मुझसे बार बार एक सवाल कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग ये पूछ रहे हैं, उन सब के लिए मैंने वीडियो बनाई है एंटी टेस्ट के हवाले से कि सेकंड एंटी टेस्ट कब होगा, नहीं होगा। भाई एंटी टेस्ट नहीं होगा, अब सेकंड एंटी टेस्ट की इजाज़त नहीं है फिलहाल। तो आपको मैं बता दूं, कोई सेकंड एंटी टेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ सेकंड मेरिट लिस्ट है ज़रूर। जिन बच्चों का पहले नाम नहीं आया, अब सेकंड नंबर पे जो लोग इनसे कम नंबर्स वाले होंगे, उनको हम लोग चांस दे रहे हैं कि अदारे ने ये चीज़ डिसाइड की है कि हम सेकंड मेरिट लिस्ट लगाएंगे। लेकिन आप लोगों ने ये गौर करना है कि आपकी बच्ची का नाम आया कहाँ पे है। फ़र्ज़ करें आपकी बच्ची ने एट्थ क्लास के लिए यहाँ पे अप्लाई किया तो उसका एट्थ में नहीं हुआ, तो अब सेकंड मेरिट लिस्ट जो आएगी उसमें हो सकता है उसका सेवन्थ में नाम आ जाए, हो सकता है उसका एट्थ में। ये मिसाल मैंने आपको दी है, इसलिए आप लोग अब हौसला रखें, दुआएं करें कि अल्लाह करे कि आपकी बच्ची का सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाए। और सेकंड एंट्री टेस्ट फ़िलहाल नहीं हो रहा, तमाम पेरेंट्स लोग पूछते हैं बार बार सेकंड एंट्री टेस्ट, तो आपको बता दूं कि वो चांस अब इस दफ़ा आपको नहीं मिलेगा। बच्चों ने बहुत अच्छे पेपर दिए, क्वालिफाई किया है। वीडियो पसंद आई है दूसरों के साथ भी शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।